हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ डबल कलर निटिंग डिज़ाइन, जो कि बनाने में बहुत आसान है और दिखने में डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरीके से डिज़ाइन की लुक है, बहुत ही प्यारा लुक है। आप देख सकते हो, ये मैंने ट्रिपल ऊन से बनाई है। आप अपनी मनचाही किसी भी ऊन में इस डिज़ाइन को बना सकती है। डिज़ाइन की राइट साइड से है और डिज़ाइन की जो रॉन्ग साइड है कुछ इस तरीके से दिखती है, देखिए ऐसे। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ के, गर्ल्स के, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकती है। सभी प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। ये जो डिज़ाइन है ये 5x5 के मल्टीपल फंदों पे चलती है और लास्ट में आपको 3 फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तभी ये डिज़ाइन आपकी किसी भी प्रोजेक्ट पर अच्छे से सेट हो जाएगी। 5 के मल्टीपल देख लीजिए, यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले फंदे डाल लीजिए, उसके बाद जो है इसको मल्टीपल कीजिए। 5+5+5 और प्लस 3 फंदा एक्स्ट्रा, तो आपकी डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने 2 कलर में बनाई है, आप चाहे डिज़ाइन को मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। और डिज़ाइन सीधी साइड से स्टार्ट होती है। बॉर्डर के बाद अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप उल्टी तरफ से फंदे बढ़ा लीजिए, तो सीधी साइड से आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो डिज़ाइन है ये 4 सिलाई की डिज़ाइन है, इन्हीं 4 सिलाई को आपको बार बार रिपीट करते हुए जानी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये पिंक और क्रीम कलर का यूज़ की है। आप अपने मन से किसी भी 2 कलर में डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे डबल कलर में डिज़ाइन बता रखी है अपने चैनल पर, अगर आपको देखनी है तो आप जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर सभी वीडियोज़ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत आसान आसान डिज़ाइन में बताती हूँ, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके फिर बताना कि आपको जो है डिज़ाइन कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं आता है। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनानी है, और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली डिज़ाइन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नई नई प्रोजेक्ट है, डिज़ाइन है, मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5x5 के मल्टीपल करके फंदे डाल लिए हैं और प्लस 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले फंदे डाल लीजिए, उसके बाद बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद मैं जैसे आपको यहाँ से बताऊँगी वही आपको वहाँ पर रिपीट करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो पहले सिलाई जो है सीधी तरफ से, यहाँ पर हमें कलर चेंज करनी है। जो भी कलर आपको लगानी है वो आप बेस कलर के साथ इसको ज्वाइंट कर लीजिए। तो देखिए ऐसे हम बेस कलर के साथ कोई भी अपना दूसरा कलर ज्वाइंट कर लेंगे। और फर्स्ट रो सीधी साइड से, जो कि यहाँ पर देखिए, पहले 3 फंदे को हम दूसरे कलर से सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3। उसके बाद देखिए ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम बिना बुने ऐसे स्लिप कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप जो है इससे आराम से बना लेंगे। फिर से देखिए, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जो 5 फंदे मैंने आपको बताई है ना, इन्हीं 5 फंदों को आगे आगे आपको रिपीट करनी है। 3 फंदे ये सीधे जो हमारी ये दूसरा कलर है ग्रीन कलर, उससे बनाएंगे, और 2 फंदे हमें बेस कलर जो आपने लगाई है बॉर्डर में उसको आपको स्लिप करनी है। यहाँ पर बेस मैंने व्हाइट क्रीम रखा है और बाकी मैंने इस डिज़ाइन को पिंक से बनाई है। तो इस तरीके से आपको रिपीट करनी है। 3 फंदों को ऐसे दूसरे कलर से सीधा बनाएंगे और 2 फंदे ऐसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3, 2 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे ही। फर्स्ट रो सीधे साइड से बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे, 3 फंदे सीधे दूसरे कलर से और 2 फंदे ऐसे स्लिप कर लेंगे, तो लास्ट में बचेंगे 3 फंदे। यहाँ से यहाँ तक जो बनाई है वो टोटल 5x5 के मल्टीपल, और 3 फंदे हम एक्स्ट्रा इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो स्टार्टिंग है और लास्ट है वो सेम रहे। तो ये लास्ट के 3 फंदे हम ऐसे सीधा बना देंगे। अब देखिए डिज़ाइन के सेकेंड रो, जो कि रॉन्ग साइड से, जो फंदा हमने सीधे साइड से सीधा बनाया वो उल्टी तरफ से भी सीधा बनाएंगे, और जो 2 फंदे हमने स्लिप किए सीधे साइड से वो उल्टी तरफ से वो सीधा स्लिप करेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखिए, पहले 3 फंदे, पहला फंदा ऐसे देखिए यहाँ से करेंगे, ये पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे उन पीछे, ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। एक्सटीज से ये हमारे ताकि यहाँ से फिनिशिंग अच्छी है इसलिए मैं उतार रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए इनको हम स्लिप करेंगे लेकिन ऊन अपनी तरफ रहेगी, देखिए ऐसे। फिर इनको ऐसे स्लिप करेंगे ऊन पीछे, ये 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे ऐसे, ये 2 फंदे हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे ऊन पीछे, ये 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। इस डिज़ाइन से आप बेबी के लिए सेट बना सकती है। अगर आपको कोई सेट बनानी है न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो आप बना सकती है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत सुंदर बनेगी सेट अगर आप बनाना चाहती है। तो देखिए 3 फंदे सीधे, 2 फंदे ऐसे स्लिप करेंगे ऊन पीछे, 3 फंदे ये सीधे, 1, 2, 3। उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधे तरफ से भी सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर हम चेंज करेंगे थर्ड रो में, वो मैं आपको आगे बताऊँगी।
तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है और लास्ट का एक्स्ट्रे सिलाई आप चाहे उल्टा या सीधा बना सकती हैं। मैं इसे उल्टा बना देती हूँ। तो देखिए ये दो सिलाई हमने बना दी है ग्रीन कलर से, सीधी उल्टी। अब फिर से हमें कलर चेंज करनी है। इसमें हमें जो है हर दो रो के बाद कलर चेंज करनी है। अब हम बेस कलर लगाएंगे। तो बेस कलर से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब हमें ये जो लाइन है इसको उभर के लानी है। इसको कैसे करेंगे, तो ये पहले तीन फंदे जो है इनको हम पहले सीधा बनाएंगे अपने जो भी बेस कलर है उससे, एक दो और ये तीन सीधा बना दिए। अब देखिए दो फंदे हमने स्लिप किए थे, इनको हमें ट्विस्ट करनी है केबल की तरह। तो देखिए वो कैसे करेंगे, पहले फंदे को बाद में बनाएंगे और ये जो सेकंड वाला फंदा है इसको पहले बनाएंगे। इसके लिए हम ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको खोल लेंगे सिलाई में से ऐसे, और ये पहला फंदा पीछे की तरफ से ऐसे लेंगे और ये सेकंड वाले फंदे को ऐसे ट्विस्ट करके आगे ले आएंगे। अब इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे, एक और ये दो। अब इन्हीं को रिपीट करनी है। ये तीन फंदे पहले सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे। इसके लिए ऐसे सिलाई डालेंगे आगे से, इसको ऐसे खोल लेंगे सिलाई में से, पहले फंदे को ऐसे लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आएंगे ऐसे। फिर से इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे। तब इसी को रिपीट करनी है आपको। देखिए तीन फंदे ये सीधे, पूरी सिलाई हमें सीधे बनानी है लेकिन इन दो फंदों को जो हमने स्लिप किया है उनको ट्विस्ट करके बनानी है। इसको ऐसे लेंगे सिलाई में से खोल के ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे, पीछे फंदे को आगे ले आएंगे ऐसे। देखिए ऐसे बना देंगे, एक दो, फिर तीन फंदे सीधे। ऐसे ही थर्ड रो रिपीट करते हुए जाएंगे लास्ट तक। दो फंदों को ऐसे खोल के ट्विस्ट कर लेंगे, एक दो, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ऐसे खोल लेंगे। और लास्ट में बचे ये तीन फंदे, इनको हम सीधा बना देंगे। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गई है सीधे साइड से। अब आ जाइए फोर्थ रो, जो कि आपकी बेस कलर लगाई है ना उसी से आपको इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनानी है। तो पहले फंदों को ऐसे स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदों को ऐसे, देखिए ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है, दो सिलाई हमने फिर से जो है बेस कलर से बना दी है। टोटल हमारी ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हुई है चार सिलाई में, यहाँ से यहाँ तक। इन्हीं चार सिलाई को आपको आगे आगे रिपीट करनी है। वो कैसे करनी है थोड़ा सा दिखा देती हूँ फिर से। ये देखिए फिर से हम ये दूसरा कलर लेंगे। अगर आपको मल्टी कलर से बनानी है तो आप यहाँ पर कट कर दीजिए, दूसरा कलर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैं इसी कलर से बना रही हूँ, तो इसके लिए देखिए तीन फंदे पहले हम ग्रीन कलर से सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। अब ये लाइन आपको इस तरीके से ये दिखेगी। अब इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे। इसमें आपको किसी भी फंदे को चेंज नहीं करनी है, बस ऐसे ही बनाते हुए जानी है जैसे मैंने आपको चार सिलाई बताई है। ये तीन फंदे सीधे, दो फंदे स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। अब आ जाइए सेकेंड रो, जो कि उल्टी तरफ से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे ऐसे ऊन पीछे। ये देखिए यहाँ से दो फंदे सीधे बनाएंगे पहले और ऊन अपनी तरफ करके दो फंदे ऐसे स्लिप करेंगे, फिर ऊन पीछे तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, ऊन आगे स्लिप करेंगे, ऊन पीछे तीन फंदे सीधे। देखिए ऐसे कर लिए हमने सेकंड रो फिर से। अब आ जाइए थर्ड रो, जो कि यहाँ पर हमें कलर चेंज करनी है। जो भी बेस कलर है उसे लगा लीजिए और देखिए तीन फंदे पहले सीधे बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, इस फंदे को ट्विस्ट करेंगे,
ऐसे ही फिर से थर्ड रो बनाते हुए जानी है। ये फ्रेंड्स इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए ये फोर्थ रो जो कि उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, मैंने ये प्लेन ऊन में आपको बना के दिखा दी है ताकि आपको इसकी जो लुक है वो पता चल सके। ये देखिए इस तरीके से इसमें लाइनिंग आएगी और बीच बीच में इस तरीके से ये उभरा हुआ डिज़ाइन आएगी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बनाने में बहुत आसान है। जब आप इन चार सिलाई को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपकी ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक है इसकी। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती है और बहुत जल्दी बन के ये कम्प्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें जो मैं नई नई प्रोजेक्ट या डिज़ाइन बनाऊँगी उसका। आप प्लीज़ इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई करके फिर बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।